हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। और आपको कुछ दिखाती हूँ, टाइम देखो 12:49 रात के 1 बजने वाला है और मेरी आंखों में नींद दिख रही है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका रीज़न क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज भूख भी नहीं कह सकते, मतलब मुझे चाय की क्रेविंग हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं क्योंकि अपन चल रहे हैं फास्टिंग पे, इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब अपने बस की है नहीं बट फिर भी अपन ट्राई कर रहे हैं। और यार 7 दिन हो गए चाय अवॉइड करते करते, मेरी लिमिट ख़त्म हो गई है यार। चाय के बिना मतलब ज़िंदगी ऐसी हो रखी है कि क्या ही बताऊँ, ख़त्म हो रखी है मेरी ज़िंदगी चाय के बिना। और वैसे भूख भी लग रही है, मतलब ऐसे पेट में से ना ऐसा आवाज आ रही है, मछली गई, कुत्ता गया, बिल्ली गई, पता नहीं। घर वाले तो बोलते थे पहले चूहे पेट में चूहे कूद रहे, मतलब चूहे जैसे तो नहीं लग रहे, तो बड़े बड़े बिल्ली कुत्ते सब आ गए हैं। और ये देखो मेरी बर्थडे 3% पे। भाई हमारी मम्मी हमें ला ला के देती बचपन से अब तक, भैंस का दूध हर जगह, भैंस का दूध। और यहाँ हमें पता नहीं क्या ही का दूध है, पर जिसका भी है मिल जा रहा है हम पी ले रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी में अब यही बाकी है, इससे ही काम चलाना पड़ेगा हमें। मुझे चाय के धुएं देख रहे हो कितने सही वाले आ रहे हैं। यार एक चीज़ बताओ, मुझे ही लगती है ऐसे रात में भूख, मैं ही उल्लू हूँ रात रात भर जगने वाला है, फिर सबको लगती है ना यार बहुत तेज भूख लगती है रात में। अच्छा जब आप लोगों को रात में भूख लगती है क्या क्या बनाते हो आप लोग, मुझे भी बता दो। पर यार कुछ ऐसा बता दो जिससे मेरा पेट और ना बढ़े, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत मोटी हो गई हूँ और नहीं बनना चाहती। तो प्लीज़ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताना जो मैं अभी बना सकूँ। मैं क्या सोच रही हूँ, ये वीडियो अगर मेरी मम्मी देखेगी ना, मेरी मम्मी पता क्या कहेंगी, कौन सी नई बड़ी बात है, सॉरी कौन सी बड़ी बात है कि तू रात में जग रही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, तुझे तो शुरू से आदत है रात रात भर उल्लू की तरह। ओ बेटे बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये लोग ना हर रोज कुछ नया कलर इस घर को, इस बिल्डिंग पे नई लाइट जलती है। मंजुलिका हमारे गेट को हिला रहा है कोई, यार हमारे इस पड़ोस वाले घर में कोई नहीं रहता, कोई तो आ जाओ भाई, भूत आ जाएंगे। हवाएं ठंडी ठंडी, ओए होए। पता है मैंने ना अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के 7 डेज कंप्लीट करे हैं, आज मैंने चीट कर दिया है चाय पी के। एक चीज़ और बता दीजिए, पता है हमारे साथ ना एक धप्पा हो गया। धप्पा क्या हो गया कि चाय पत्ती हो गई थी ख़त्म और हम गए स्टोर पे, तो जहाँ पे अपना इंडियन वाली ग्रोसरी मिलती है वो थोड़ा आगे पड़ जाता है। हमने सोचा कि ठीक है 2-4 कदम क्यों चले, क्यों अपनी बॉडी को तकलीफ दे, यहीं से ले लेते हैं। तो भाई हमने वहाँ से ले ली, और वहाँ से लेने के बाद हमने सोचा चल ठीक है भाई, हम भी थोड़ा स्टैंडर्ड झाड़ते हैं, हम भी अरब वाली चाय पिएंगे, ये चाय पिएंगे। और उस चाय के नाम पे जो धोखा हुआ है ना हमारे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको भी। देखो ये थी चाय पत्ती, ठीक है, हमने सोचा अंदर इसके अंदर, अब भाई मेरे मुंह पे ही आएगा तू, इसके अंदर कुछ पैकेट वोकेट होगा कि ठीक है। बाहर से कितनी सही लग रही है, मैंने सुबह खोला क्योंकि मैं तो घर पी नहीं रही थी कई दिन से, इनके लिए बना रही थी, मैंने इसको खोला, अंदर पता क्या निकला है जी ट्रेन वाली चाय। मेरा मन कर रहा है मैं करने लग जाऊँ, ये तो है क्या, ठीक है डिस्पोजल वाले कप ले लेती हूँ और एक केटल लेके, चाय गरम चाय गरम, 10 रुपए साहब, चाय गरम चाय गरम। ये हम और चाय के बिना रह सकते नहीं, फिर ये मंगाई गई हमारी 1 and only रेड लेबल, कुछ भी अलग आते हैं यार इसमें, पर ऐसा धोखा हमारे साथ। और आजकल मेरी चाय तो खैर ये है 1 and only ग्रीन टी, और फिलहाल मैं चाय पीऊँगा। ज़िंदगी तो इस इंसान की है भाई, इसे कुछ मतलब नहीं है। अभी पबजी खेला, फिर ऑफिस ख़त्म किया, चाय बन रही है, चाय के साथ क्या खाएगा तू?
सॉरी तुम, सॉरी आप, तेरा भैया मेरे अंदर तो है ही नहीं, बस ये सुनना था तो मेरे अंदर वेजे की कमी है थोड़ी सी मैगी पोहा पास्ता, बट मैं ये तुझे बना के नहीं दूंगा। हाँ बता देना जल्दी, बता मेरी चाय फंस जाए। अपनी अपनी बढ़िया से इंसान को, मैगी खा के मैं मोटा हो जाऊंगा उसका क्या? कुछ नहीं मिलेगा, चाय के साथ बिस्किट मिलेगा बस, वो भी पार्ले जी। चाय के साथ थोड़ी सी चिप्स, क्योंकि खाली चाय पीने में मजा नहीं। भाई मारे यहाँ पे ना कचरी बोल रहे हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, बताइए मुझे। भाई हो गए हमारे स्नैक्स रेडी, स्नैक्स ही बोले ना इंग्लिश में, खाना मेरी मम्मी का नाश्ता पानी होगा तैयार कर लो। चिप्स, कचरी और नमकीन, जिसमें मूंगफली ना है, मैंने सारी भीन भीन के खा ली। अब इंतज़ार हो रहा है हमारी चाय का, चाय थोड़ी और अच्छे से उबल के कड़क हो जाए। पचास हम चलते हैं अंदर। यार इस बंदे के मजे हैं। सर, सर जी आपका ऑर्डर। नॉक नॉक। मैं अंदर नहीं आ सकता सर, मुझे परमिशन नहीं है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इस बंदे के मजे कुछ नहीं करना पड़ता, दोनों हाथ से बात बता मुझे। मेरे डाइटिंग करने से तेरा थोड़ा नुकसान हो रहा था ना, अभी तो लग रहा फायदा ही हो रहा। नहीं आज तो मैंने चीट किया है ना, अब तक तो नुकसान हो रहा था। हां खैर, जो पहले अच्छा अच्छा मिलता था खाना, अब थोड़ा कम मिलता है। और ये था आज का मेरा छोटू सा व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट ऑल्सो। और यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कर लिया करो यार प्लीज़।